महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार दौरे पर रहे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले शंकराचार्य राजेश्वराश्रम से मुलाकात की। उसके बाद स्थित पीठ दक्षिण काली मंदिर पहुंचे और मां काली की पूजा अर्चना की। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाश नंद गिरी से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वह साधु संतों का आशीर्वाद लेने हरिद्वार आए हैं और साधु संतों के आशीर्वाद से जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वह और अच्छे से निभा पाऊंगा। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मां काली का आशीर्वाद लेने आश्रम आए थे। इस दौरान उनसे कई विषयों पर चर्चा हुई। कैलाश गिरी ने कहा कि मुझे लगता है कि जिस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना मिलकर दोबारा सरकार बनाई है, उसमें कहीं ना कहीं भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा योगदान रहा है, तभी यह संभव हो पाया है। हरिद्वार से रामगोपाल की रिपोर्ट। आपने खुद ही कहा कि आए हैं संतों का आशीर्वाद लेने, तो आप सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम भगत सिंह है और मैं आपका भी भक्त हूँ और संतों का भक्त तो हुई हूँ। तो दो चार संतों का आशीर्वाद लेके जाऊँगा तो जिस काम में लगा हूँ वो काम अच्छा होगा, आप लोगों का प्रेम बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। उत्तराखंड के एक रत्न हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और भारत सरकार में और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े कद रखते हैं। मुझे लगता है उत्तराखंड का बहुत बड़ा दायित्व आपके ऊपर रहा है और जन सामान्य नेता हैं, बहुत सरल हैं, सौम्य हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के गवर्नर